अखिलेश राहुल के यूपी के लड़के वाले नारे पर मोदी की चोट, हरदोई में खुद को बताया उत्तर प्रदेश का गोद लिया बेटा। क्या बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाई, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माय बाप है, मेरा माय बाप। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर पीएम का हल्ला बोल, कहा सत्ता के लालच में किया गठबंधन। यूपी में तीसरे दौर की वोटिंग के लिए पीएम का धुआंधार प्रचार, हरदोई के बाद बाराबंकी में भी रैली, सूबे के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अखिलेश जी ने थाने को सपा का कार्यालय बना दिया है। यूपी के मैनपुरी में अखिलेश ने मोदी को दिया जवाब, बोले सत्ता के लिए नहीं विकास के लिए किया गठबंधन। मैं कहता हूं हमें कुर्सी के लिए नहीं किया ये सब कुछ, ये समाजवादी पार्टी और कम से कम लोगों के बीच में ये बात जाए कि समाजवादी पार्टी समय के हिसाब से चलती है। मोदी के अनुभवहीन वाले बयान पर भी अखिलेश का पलटवार, कहा मैंने सीख लिया है फुल स्पीड में साइकिल चलाना। साइकिल के साथ जो गड़बड़ कर रहे थे वो इसलिए थोड़ा पीछे छूट गए कि हमने साइकिल थोड़ी ज्यादा तेज चला दी। कानपुर में डिंपल यादव ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, कहा पीएम मन की बात करते हैं और अखिलेश काम की बात। इटावा की रैली में बिना नाम लिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल से बराबर किया हिसाब, कहा हमें और नेताजी को ही लड़वा दिया। और इटावा इसलिए कम आए कि हमें दूसरों पे ज्यादा भरोसा था, जिन पे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ, अपर्णा यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे अखिलेश यादव, छोटे भाई की पत्नी ने मुख्यमंत्री के पांव छूकर स्वागत किया। और इस बार चाहते हो अगर सीधे सीधे समाजवादी आपकी मदद करें तो अपर्णा यादव को एक एक वोट देकर के जिताने का काम करना। सीतापुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम को घेरा, विजय माल्या को लेकर सवाल उठाए। राहुल के गढ़ में अमित शाह ने बीजेपी के लिए मांगा वोट, कहा इस बार खत्म हो जाएगा परिवारवाद की सियासत। यूपी के फरुखाबाद में राजनाथ सिंह ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा, सूबे में बिजली की हालत को लेकर तंज। दिन भर थके हारे काम करने के बाद जब रात को आप घरों में पहुंचते होंगे, अंधेरा या अंधेरा, ना आप घरवाली का चेहरा देख पाते होंगे ना घरवाली आपका चेहरा देख पाती होगी। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के लिए महंगा पड़ा काम बोलता है का नारा, जनता ने मांगा हिसाब तो भाग खड़े हुए अखिलेश के करीबी पवन पांडे। कल खत्म हो जाएगा यूपी में तीसरे दौर का चुनाव प्रचार, 19 फरवरी को 12 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव खत्म होने के बाद देहरादून में सैर सपाटे पर निकले हरीश रावत, ब्रेड पकोड़ा खाते दिखे सीएम, लोगों ने खिंचवाई सेल्फी। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के रिश्तों में तनातनी की नई खेप, बीजेपी ने की बीएमसी चुनाव के दौरान सामना पर बैन की मांग। बीजेपी की मांग पर बिखरे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, ठहराया अघोषित आपातकाल, कहा बीएमसी चुनाव के बाद लेंगे फैसला। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, पार्टी की महिला विंग ने निकाली आक्रोश रैली। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मस्ती में दिखे सूबे के मुख्यमंत्री, ढोल की धुन पर थिरके शिवराज सिंह चौहान। पलानीसामी बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, 30 मंत्रियों के साथ राजभवन में ली पद और गोपनीयता की शपथ। 18 फरवरी को तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र, नए मुख्यमंत्री हासिल करेंगे विश्वास मत। चेन्नई में शपथ ग्रहण के दौरान बवाल, आपस में भिड़ गए नए मंत्री शनमुगम और पूर्व सीएम पनीर सेल्वम के समर्थक। शपथ ग्रहण के लिए रिसोर्ट से राजभवन लाए गए एआईएडीएमके के विधायक, कार्यक्रम के बाद रिजॉर्ट में वापसी। चुनाव आयोग में शशिकला की महासचिव के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ अपील, फैसले को रद्द करने की मांग।
कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए विकास स्वरूप अभी तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे। करीब 9 महीने बाद कल कैबिनेट में पहला फेरबदल करेंगे महबूबा मुफ्ती, पीडीपी के 1 या 2 मंत्री के शामिल होने के कयास। घाटी के पत्थरबाजों को धमकी पर केंद्र ने किया आर्मी चीफ का समर्थन, गृहमंत्री बोले राष्ट्रहित में दिया बयान। कोई भी हो किसी पद में क्यों ना बैठा हो, लेकिन देश के ऊपर कोई नहीं सोच सकता है। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो आर्मी चीफ के बयान का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया विरोध, कहा बड़े पद पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं। यूपी के जौनपुर में शहीद आशुतोष कुमार को नम आंखों से आखिरी विदाई, बांदीपुरा एनकाउंटर में शहीद हुए। हल्द्वानी में बांदीपुरा में शहीद हुए धर्मेंद्र की आखिरी विदाई, आतंकियों से लोहा लेते वक्त गई जान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर लगाई जा रही है नई फेंसिंग लाइन, गांव वालों ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने फिर लूटा बैंक, 3 लाख लेकर फरार। हाफिज सईद ने की पाकिस्तान नहीं छोड़ने वाले लोगों की लिस्ट से नाम निकालने की गुजारिश, कहा वो सुरक्षा के लिए नहीं है खतरा। हाफिज सईद ने दी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की दलील, पाक ने 37 लोगों के बाहर जाने पर पाबंदी लगाई। हाफिज सईद को मिला पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह का साथ, परवेज मुशर्रफ ने की लश्कर चीफ की रिहाई की मांग। मुशर्रफ ने जमात उद्दावा को बताया शानदार एनजीओ, कहा आतंकवादी नहीं है हाफिज सईद। सीआईए के पूर्व अधिकारी ने पाक को बताया सबसे खतरनाक देश, खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ते परमाणु हथियार से चिंता। जेल भेजे गए आईएसआई केस के 3 आरोपी ध्रुव, मनीष और मोहित, पुलिस रिमांड में आरोपी राजन। भोपाल आईएसआई केस में 12वीं गिरफ्तारी, एटीएस ने सतना जेल से रंजन तिवारी नाम के शख्स को रिमांड में लिया। दिल्ली धमाकों में दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका, 1 गुनहगार को 10 साल की सजा, 2 आरोपी बरी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने तारिक अहमद डार को सुनाई 10 साल की सजा, 11 साल कैद में काट चुका है गुनहगार। दिल्ली धमाकों में 11 साल बाद फैसला आया, 2005 में विस्फोट में गई थी 61 लोगों की जान। कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है दिल्ली धमाकों के पीड़ित, खौफनाक मंजर को याद करके आंखों में भराते हैं आंसू। दिल्ली में फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा, आरोपियों के पास से करीब 250 मार्कशीट बरामद। देश के कई यूनिवर्सिटी में डिग्री गैंग ने बना रखी थी पैट, ग्रामीण इलाकों के छात्रों को बनाता था टारगेट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में टोल वसूली को लेकर किडनैपिंग की कोशिश, सीसीटीवी में पूरी वारदात। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 गुटों में पत्थरबाजी और फायरिंग, सीसीटीवी में गैर वारदात। गुजरात के राजकोट में थर्मोकोल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के सोलापुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा मंगल सूत्र चोरी करने वाला बाप और बेटा, 60 तोला सोना बरामद। राजस्थान के झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 की मौत। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे के बाद जोरदार हंगामा, बच्चे को ट्रक ने कुचला तो गुस्साए गांव वालों ने बवाल काटा। राजस्थान के अलवर में बुजुर्ग दंपति की हत्या से हड़कंप, पुलिस को किराएदारों पर शक। नोटबंदी की वजह से बढ़ेगी जीडीपी, वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, टैक्स कलेक्शन के तौर पर सामने आएगी शैडो इकोनॉमी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 143वें स्थान पर है भारत, द हेरिटेज फाउंडेशन के मुताबिक भारत से आगे है पाकिस्तान। कॉल ड्रॉप और वॉइस क्वालिटी की जांच के लिए ट्राई ने मोबाइल कंपनियों के साथ शुरू किए टेस्ट, बेहतर नतीजों की उम्मीद। जनवरी में डाउनलोड स्पीड के मामले में एयरटेल ने मारी बाजी, ट्राई के मुताबिक दिसंबर के मुकाबले 2 गुनी रही रफ्तार। 10 करोड़ के पार हुई रिलायंस जियो के ग्राहकों की तादाद, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। वित्त मंत्री ने मोमेंटम झारखंड का रांची में उद्घाटन किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों और नामचीन हस्तियों का जमावड़ा। देश के विकास दर के मुकाबले 4 से 5% हो सकता है झारखंड का ग्रोथ रेट, मोमेंटम झारखंड में वित्त मंत्री ने जताई संभावना। नोटबंदी के दौरान 5 लाख से ज्यादा पुराने नोट जमा करने वाले 9 लाख लोगों पर आईटी विभाग की नजर, एसएमएस ईमेल के जरिए मांगा जवाब। बजाज ऑटो के एमडी ने कहा नोटबंदी पर सवाल हैं, बोले बुरी तरह लुढ़की है दुपहिया वाहनों की बिक्री।
नोटबंदी की वजह से महाराष्ट्र में घटी स्टैंप ड्यूटी की बिक्री, करीब 1000 करोड़ की संपत्ति। 145 अंकों की बढ़त के साथ 28,301 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 53 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 8,778 पर बंद। 75 रुपए तोले की बढ़त के साथ 29,700 रुपए हुए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। 2020 तक सालाना 3 मिलियन टन गिर सकता है दूध का उत्पाद। 45वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता। इस साल अब तक देश में 105 मिलियन टन दूध का उत्पाद, 163 मिलियन टन के लक्ष्य का 64% हासिल। अंडों का उत्पादन 55 मिलियन टन, 87 मिलियन टन है लक्ष्य, कृषि मंत्रालय ने जानकारी दी। रेल यात्री .in ने लॉन्च की रेल यात्रा के दौरान दूध डिलीवरी सेवा। यात्री की सीट पर पहुंचेगा पैकेट बंद गर्म दूध। यूनिटेक ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में चेन्नई में 19 एकड़ और गुरुग्राम में 11 एकड़ जमीन बेची, 97 करोड़ रुपए जुटाए। बैंकों की सेहत सुधारने के लिए काफी होगी 10,000 करोड़ की रकम, बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो के मुखिया विनोद राय ने जताया भरोसा। टाटा मोटर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया रणनीतिक समझौता, बेहतर तकनीक की मदद से सुधारा जाएगा ड्राइविंग का अनुभव। सुंदर पिचाई ने इंग्लैंड की बच्ची के जॉब एप्लीकेशन का हाथ से लिखकर जवाब भेजा। 7 साल की मासूम ने गूगल में दी थी नौकरी की अर्जी।